हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी माई वे में स्वागत है. तो हमने कल नेटवर्क थ्योरी के शॉर्ट नोट डिस्कस किए थे कि आपको उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं. तो आज हम उसी सीरीज़ में आज लेकर हैं मेजरमेंट टॉपिक्स के शॉर्ट नोट. वैसे तो मेजरमेंट जो सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल एसी का आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे गेट हुआ, आईएएस हुआ, एसएससी, जेईएन हुआ, या भी कोई भी पीएसयू डेलीमीटर हुआ, एलएमआरसी, या फिर कोई भी पीएसयू का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो अभी हमारा इलेक्ट्रिकल के लिए अभी हाल फिलहाल एसएससी जेएन का एग्ज़ाम है और राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एएनओ जेएन की वैकेंसी निकली है. तो उसके लिए अगर आप पूरे 300 पेजेस का पढ़ के जाते हो नोट्स, तो आपको रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. तो मैंने क्या किया है कि एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें, आप उसको पढ़िए. मोर देन मतलब आपके सारे टॉपिक्स उसी से कवर हो जाए, मतलब आपको सिर्फ वो 20-21 पेज पढ़े और आपका पूरा सब्जेक्ट रिवाइज. तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है कि कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपेयर करें तो आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए. तो मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, तो आप उनको देख लीजिए. मैं जो जो बताता जा रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट, बेसिकली ये आईएएस और गेट के हिसाब से टॉपिक बनाए हुए हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ कुछ टॉपिक ज़्यादा होते हैं तो वो अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है. अभी मैं जो बताता जाता हूँ वो आप पढ़ते हैं. ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले देखिए मेजरमेंट, डीसी पावर मेजरमेंट, ये आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है. एमीटर वोल्टमीटर मेथड, ये भी पढ़ना है. ठीक है, फिर बाद में कई बार ये जो क्वेश्चन आ जाता है कि अगर एरर वोल्टमीटर एमीटर मेथड का बराबर है और एरर एमीटर वोल्टमीटर मेथड की, तो बताइए आरए क्या होगा, रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे. तो ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है. ठीक है, फिर बात है सिंगल फेस पावर मेजरमेंट बाय ईडीएम टाइप वाटमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, इसमें से करेक्ट सीएफ का मतलब है करेक्शन फैक्टर. ठीक है, ये कई बार फॉर्मूला डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के लिए कह देता है, है ना. ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं रेमेडी कि अगर एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस कैन बी एलिमिनेटेड बाय कनेक्टिंग ए कैपेसिटर इन पैरेलल विद सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस. मतलब अगर कोई एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस हो रही है तो उसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे पैरेलल विद सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस के. उसकी वैल्यू क्या होगी, थ्योरेटिकल वैल्यू होती है उसकी एलपी अपॉन आरपी का होल स्क्वायर, और वैसे वैल्यू होती है उसकी प्रैक्टिकल एग्जैक्ट सी इज इक्वल टू 0.41. 0.41 एक करेक्शन फैक्टर है, बहुत ही जब आप रिसर्च वगैरह या साइंटिस्ट के थ्रू इसको इंडिकेट किया गया है. ठीक है, फिर आता है एरर ड्यू टू कॉइल कनेक्शन, एमसी शॉर्ट में कोई एरर नहीं, एलसी शॉर्ट. फिर आता है यहाँ पे देखो, मैंने एक लाइन लिखी एलसी शॉर्ट कनेक्शन में एक्स्ट्रा कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज रिक्वायर्ड, ये वाला जो पॉइंट है ये आप पढ़ जाइएगा. ठीक है, फिर बाद में ब्लॉन्डल्स थ्योरम आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना. सिर्फ ब्लॉन्डल्स थ्योरम है, ये जो मैंने लाइन लिख रही इसको पढ़ जाइए, आपके ब्लॉन्डल्स थ्योरम के एसएससी जेईएन ईएन के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. फिर बाद में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक किसी भी एग्जाम का वो है टू वाट मीटर मेथड. ठीक है, तो P1 की मैंने वैल्यू लिख रही है √3 वी फेज आई फेज कॉस 30° -5 एंगल है, आपको पता ही है. ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्वेश्चन बनता है कि आपको फाई की वैल्यू निकालनी होती है. फाई निकालने के बाद आपको पावर फैक्टर निकालने का बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत. अभी इरकॉन का एग्जाम हुआ था, उसमें भी आया था इरकॉन का भी, कुछ दिन 4 अप्रैल को हुआ था अप्रॉक्स, है ना. मेरे पास पेपर वगैरह भी आपको बता दूंगा. ठीक है, तो उसके अंदर भी आया था, है ना. तो ये सब, अब फिर बात आती है इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑन वाट मीटर. ये जो टॉपिक है इससे हर मतलब जेएन का एग्जाम या एएन का किसी भी कोई भी करा रही है कंपनी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो पूछती है. क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि वो कंडीशन बताइए जब वाट मीटर 1 और वाट मीटर 2 की पावर सेम है, तो कौन कितने पावर फैक्टर पे होगी, तो वो कितने पे होगी, यूनिटी पावर फैक्टर. एंगल कितना होगा, 0°. ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पावर वाट मीटर 1 की पावर उससे हाफ है, तो ये टेबल आप पढ़ जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फिर आप ये 3 फेज वाला पढ़ें. इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर में रेशियो करेक्शन फैक्टर डायरेक्ट थ्योरी पूछ लेता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है. फिर एक क्वेश्चन आता है फेज एंगल एरर, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी जो करंट है उसके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है. आइडियल केस में होता है 180°, और प्रैक्टिकल केस में होता है 180° से लेस, मतलब अप्रॉक्स मान लीजिए 175-5 डिग्री कम होता है. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी इरकॉन के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था. ठीक है, इक्वलेंट सर्किट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप भले स्किप कर सकते हैं. अगर आप ईएस देते हैं तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन बनता है ईएस और गेट में. ठीक है, फिर आता है पोटेंशियोमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं. लेंथ कंपेरेटिव डिवाइस बिकॉज ऑफ नल बैलेंस, ये एक लेंथ कंपेरेटिव डिवाइस है. क्यों, क्योंकि इसमें नल बैलेंस कंडीशन का यूज़ करते हैं और इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, इसमें पूछ ली ये जो कंडीशन लेंथ रेशियो इज इक्वल टू वोल्टेज रेशियो, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके जेईएन और एएन के एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, फिर बात आती है इसके एप्लीकेशन इसका बहुत बार पूछा गया है कि बताइए लू रेजिस्टेंस के लिए आप लेस देन 1 ओम है उसके लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, तो क्या हो गया, पोटेंशियोमीटर. ठीक है, इसका कैलिब्रेशन अदर मीटर्स में भी यूज़ होता है,
ठीक है, ये हो गया। फिर मेजर हो गया, ट्रांसफर फंक्शन का जीरो ऑर्डर होता है, पावर फैक्टर मीटर पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने लाइन लिख रखी है ना, इसको आपको पढ़ के ही जाना है कि पहली लाइन पढ़नी है, फिर है दूसरी लाइन, एक्सेप्ट पीएमएमसी फॉर डीसी इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट फॉर एसी, रिमेनिंग ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट कैन बी वर्किंग फॉर बोथ एसी एज। मतलब इसका मतलब ये है कि पीएमएमसी आप जानते हैं डीसी के लिए यूज़ होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट एसी के लिए यूज़ होता है, और बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ईडीएम टाइप वोल्टमीटर एमआई सब किसके लिए यूज़ होते हैं, एसी एज वेल एज डीसी के लिए। ठीक है, फिर बात आती है रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको टॉपिक पढ़ना है, ये पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। ये जो थ्योरी मैंने लिखी हुई है, ईएमएमसी एंड पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट आर द स्प्रिंग, उसमें जो स्प्रिंग लगी हुई है उसके डुअल पर्पज़ होते हैं, टू प्रोवाइड द नेसेसरी मतलब जो मैं थ्योरी दे रहा हूँ उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है एक प्रकार के, ऐसा नहीं है कि ये सब क्वेश्चन से प्रिपेयर्ड हैं। फिर स्प्रिंग कंट्रोल आ गया है ना, इसके डिसएडवांटेज है एजिंग की वजह से, ग्रेविटी कंट्रोल। हाँ, फिर बात आता है डैम्पिंग टेक्निक्स की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मूविंग आयरन में कौन सी डैम्पिंग टेक्निक यूज़ होती है, तो कौन सी होती है, एयर फ्रिक्शन। इलेक्ट्रिक ईएसवी मतलब इलेक्ट्रिक स्टैटिक वोल्ट मीटर में कौन सी होती है, फ्लूड फ्रिक्शन डैम्पिंग टेक्निक। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि ऑर्डर इफेक्टिवनेस क्या है, तो आपको पढ़ना है, तो सबसे ज़्यादा किसका, एडी करंट की, फिर फ्लूड फ्रिक्शन की, और फिर एयर फ्रिक्शन की। अगर प्रायोरिटी पूछें तो एडी करंट की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एयर फ्रिक्शन की उसके बाद, एयर फ्रिक्शन इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्लूड में बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं, क्योंकि फ्लूड से बहुत ज़्यादा बहुत चिपचिपा हो जाता है वहाँ पे, तो सही नहीं रहता ये। ठीक है, पीएमएमसी, ठीक है, एडवांटेजेस पढ़ लीजिएगा, हाई टॉर्क टू वेट रेशियो, ये सब आपको पढ़ना है, ये आप एप्लीकेशन बिल्कुल पढ़ना है, एयरक्राफ्ट सिस्टम में यूज़ होता है, मैगनीन में क्या क्या यूज़ होता है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ये मतलब सब पढ़ना है आपको। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, एक्सटेंशन रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, हाँ ये पढ़ना है, एस, हाँ रेक्टिफायर टाइम इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ना है, 0.5 का मतलब है सेंसिटिविटी डीसी के कंपैरिजन में, ये पढ़ना है आपको, ये भी पढ़ना है, इसके एडवांटेजेस और ये एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन हैं ये, क्वेश्चन ही हैं ये। ठीक है, मैगर पढ़ना है, क्या है मैगर, रेशियो टाइप ओम मीटर है, ये आपको पढ़ना है, थर्मोकपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनमा कॉपर कॉन्स्टेंट एन पेयर, एफई कॉन्स्टेंट एन पेयर क्या क्या यूज़ होते हैं, ये आपको पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पढ़ना है, इससे बहुत बार न्यूमेरिकल आ जाता है कि डेवलप टॉर्क निकाल, टॉर्क निकालिए, ये जो टीडीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइप स्क्वायर, ये पूछ लेते हैं कि नॉन लीनियर किसके अंदर होती है, क्रैम्ड होता है लोअर एंड एंड्स पे, डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं, ये थ्योरी के फॉर्म है, इसकी यूजफुल फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है। ठीक है, ये सब पढ़ना है, ईएमएमसी पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पढ़ना है, मैं जो जो बताता जा रहा हूँ आप वो टिक करते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा। और वैसे आपको मैं बता दूँ कि 6 अगस्त 2018 से अपनी फुल लेक्चर सीरीज चालू हो रही है, टेक्निकल सब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिकल और ईसी के हैं, चाहे आप गेट एस्पिरेंट हो, चाहे आप आईएएस एस्पिरेंट हो, आप राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, दिल्ली मेट्रो का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आरआरबी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो, उसकी फुल फ्लैश तैयारी होने वाली है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अभी तो मेरे क्या पर्सनल इशूज़ हैं, तो मैं उनका पूरा डेडी कम करके 6 अगस्त 2018 से अपन फुल लेक्चर सीरीज चालू करने वाले हैं, बोर्ड पर पढ़ाएंगे बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत आने वाली आपको, मतलब कोई कोचिंग की रिक्वायरमेंट होगा, अभी तो मैंने कहा ताकि आप अभी से प्रिपरेशन चालू कर दें, मतलब ताकि अभी मैंने आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड, ये सब मैं बताऊंगा ये मैंने कैसे बनाए, क्यों है, क्या है, लेकिन अगर अभी आपको शॉर्ट प्रिपरेशन, आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई कर रखी है, या फिर आप डायरेक्ट पढ़ना चाहते हो, कल आपका एग्ज़ाम है या फिर कभी भी एग्ज़ाम है, फटाफट तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ठीक है। ठीक है, फिर मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, ये पढ़ना है आपको, ये सब पढ़ना है, इसमें के पूछ लेते हैं, के की यूनिट पूछ लेते हैं, रिवॉल्यूशन पर किलोमीटर आर, ये कई बार फॉर्मूला के निकालने के लिए पूछ लेते हैं, क्रीपिंग पूछ लेते हैं, बहुत बार पूछा जाता है कि क्रीपिंग क्या होता है, स्लो रोटेशन ऑन डिस्क अंडर नो लोड कंडीशन है। ठीक है, स्लाइटली हाई स्पीड अंडर लाइटली लोडेड एंड लोडेड कंडीशन, इसके रीजन्स क्या हैं, ये जो मैंने लिख रखे हैं बहुत पढ़ना है, फैंटम लोडिंग क्या होता है ना। ठीक है, सीआरओ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इन नॉर्मल मोड आउटपुट ऑफ स्वीप फेज जनरेटर गिवन टू हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, जो मैंने लिखे हुए मैंने पॉइंट, ये एक प्रकार के क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, डुअल ट्रेस क्या होता है, टू इनपुट सिग्नल होते हैं, अगर F1 इज इक्वल टू F2, एफ स्वीप बाई टू, मतलब अगर आपको एफ स्वीप फ्रिक्वेंसी दे रखी है तो कैसे निकलेगा, एक्सप्रेशन फॉर, इसके अंदर जो मैंने दे रखा है वो सब पढ़ना है। ठीक है, ये सब पढ़ना है आपको। हाँ, फिर बाद में आता है सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ फेज एंगल मेजरमेंट, मतलब अगर आपको दिया हुआ है कि कोई, मतलब आपके लिजाजियस पैटर्न सुना पढ़ा होगा आपने, अगर वो सर्किल फॉर्म कर रहा है तो उसका एंगल कितना है, वो है 90 डिग्री या फिर 5 to 70 डिग्री,
ये पूछ लेते हैं, सर्किल किस केस में बनता है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, ये सब उसी से रिलेटेड हैं, ठीक है। सी आर ओ प्रोब ये भी पढ़ना है, सी आर ओ एम्पलीफायर, डुअल ट्रेस, वर्टिकल एम्पलीफायर, ये सब आपको पढ़ना है। मैं अभी बताता जा रहा हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जो हाल फिलहाल अभी आपका एग्ज़ाम है राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में JEE और AEN का या फिर SSC JEE का एग्ज़ाम है, ठीक है। अभी ये हो गया बात, फिर डिजिटल वोल्ट मीटर हो गया, ये पढ़ना है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर फ्लैश टाइप होता है, पैरेलल कंपेरेटर होता है, फ्लैश टाइप, एफ से इसको याद करने की टेक्निक होगी, एफ से फास्टेस्ट हो गया, मोर सेंसिटिव है, ठीक है, तो ये पढ़ना है आपको। स्पीड हो गई, सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, फ्लैश की होती है, फिर SAR की होती है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रेक्टिफायर की होती है, डुअल स्लोप की होती है, ठीक है, ये सब, ये चाहे तो आप छोड़ दीजिएगा, ये जो SAR के बाद है ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, फिर ये इंपॉर्टेंट है, N/1/2 DVM डिजिटल वोल्ट मीटर है ना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि लो के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड, ये इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है आपको बिल्कुल। लॉस ऑफ चार्ज मेथड बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एरर एनालिसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार पूछते हैं। ये गॉसियन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये IAS और गेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर ये मैंने कुछ टेस्ट सीरीज जो देने के बाद नोट्स बनाते हैं कि व्हाट आवर में जैसे कुछ गलतियाँ होती है, फिर अपन उनको नोट्स कर लेते हैं, वो हैं व्हाट आवर मैटर किस में यूज़ होता है, इंटीग्रेटिंग बैलेंस में, शॉर्टिंग ऑर्डर में, ये मतलब नोट्स वगैरह हैं, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। तो मैंने आपको आज मैंने डिस्कस किया है शॉर्ट नोट्स ऑफ मेजरमेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये नोट्स इतने वेल प्रिपेयर्ड हैं, मैं कोई भी एग्ज़ाम देने जाता हूँ था तो इन्हीं को सिर्फ पढ़ जाता था, और मतलब मेरे को वापस रिवाइज करना, मतलब मेरा 4 घंटे में पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अपनी आधा घंटा 15-20 मिनट इसको बार बार रिवाइज करते हैं। बार बार रिवाइज करने से क्या होता है कि आप उनसे हैंड यूज टू हो जाते हैं, बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए रिवाइज करना, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा है। और अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज चालू हो रही है किन किन एस्पिरेंट्स के लिए, जो गेट एस्पिरेंट्स है, IAS एस्पिरेंट्स है, SSC JEE एस्पिरेंट्स है, RRVNL जो स्टेट राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वैकेंसी निकली है ना JEE और AEN की, या फिर कोई भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो जैसे बिहार, UP, महाराष्ट्र, RRB, दिल्ली मेट्रो, LME या वेरियस PSUs, कब से स्टार्ट हो रही है, 6th of August 2018। अगर तो अगर आप अटेंड करना चाहते हैं ये लेक्चर सीरीज, बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगी, आपको किसी भी कोचिंग जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, बस आपको करना क्या होगा, एक बढ़िया सा नेट का रिचार्ज कराइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस देखिए, आपके लिए डेमो लेक्चर्स लाए जाएंगे, बढ़िया आप तरीके से इलेक्ट्रिकल और हाँ ये इलेक्ट्रिकल इसी के टेक्निकल सब्जेक्ट्स होंगे, और नॉन टेक्निकल भले आप कोई भी फील्ड के हो तो आप इसको अटेंड कर सकते हो, क्योंकि नॉन टेक भी बहुत मेजर रोल प्ले करेगी, जैसे आपने राजस्थान का भी एग्ज़ाम देंगे तो उसके अंदर 40% नॉन टेक आ रही है, जीके भी अपन कवर करेंगे, जैसे पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिर उसमें करंट अफेयर्स जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सीरीज चालू होगी। तो अगर आप ये क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप स्टडी माई वे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये जो मैंने PDF आज शो की है इसकी मैं PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और बहुत ही PDF फॉर्म में उसको रिवाइज़ कर ले, कहीं भी जा रहे हैं एग्ज़ाम देने फटाफट उसको मोबाइल में सेव रखिए, या फिर आप हार्ड कॉपी चाहते हैं हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए, तो बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स। और अगर आपको कोई डाउट लग रहे हैं तो आप कमेंट में सेक्शन में डाउट कि आप सर मेरे को इस सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स चाहिए और भी किसी सब्जेक्ट, और अगर आपको वीडियो कहीं से भी बेनिफिशियल लगा कि थोड़ा बहुत आपकी बेनिफिट हुआ हो आपका, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, इसको लाइक जरूर करना, क्योंकि आप अगर आप लाइक करते हो तो मेरे को लगता है कि जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ सच्ची में बेनिफिशियल हो भी रहा है या नहीं हो रहा, जो भी है अच्छा बुरा, जो भी आपको लगता है कि मेरे को कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए और कोई चीज़ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अपना यूट्यूब चैनल है स्टडी माई वे, 6th of August से अपनी क्लासेस चालू हो रही हैं, ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अब से अलविदा लेते हैं।